नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी तक न्यूज नेटवर्क, हर पल आपके साथ, और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नौगांव रोड ट्रांसपोर्ट नगर के आगे भारत पेट्रोल पंप में आज सीएनजी पंप का शुभारंभ हुआ। सीएनजी पंप चालू होने से छतरपुर की जनता में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। नौगांव रोड चौरसिया जी के भारत पंप पर सीएनजी पंप चालू हो गया है। आज इस पंप के उद्घाटन समारोह में छतरपुर के पन्ना रोड पेट्रोल पंप ओनर हरवंश सिंह, व्यापारी ट्रक ओनर प्रमोद अग्रवाल, डॉक्टर चौरसिया वकील साहब एवं सीएनजी उद्घाटन समारोह में कंपनी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। छतरपुर शहर की जनता को अब सीएनजी गैस की सुविधा बहुत दिनों के इंतजार पर आज पूरी होने जा रही है। इस आयोजन पर छतरपुर जिले के व्यापारियों समेत शहर के अनेकों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। खबर यूपी तक से मध्य प्रदेश हेड गजेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया पेट्रोल पंप? पेट्रोल पंप है, जैसे ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है छतरपुर फिलिंग स्टेशन नौगांव रोड पे। यहाँ पर पहले पेट्रोल डीजल की सुविधा थी, और जैसा आपको पता है छतरपुर में बागेश्वर धाम और खजुराहो और भी पर्यटक की जगह है, जिसकी वजह से बाहर की शहरों से बहुत सारी वाहनें यहाँ पर आते हैं, और उन वाहनों के लिए सीएनजी की सुविधा छतरपुर शहर में उपलब्ध नहीं थी। और इवन इसके अलावा छतरपुर शहर के जो हमारे लोकल के चार भैया के ग्राहक हैं, ट्रक के बस के हैं ग्राहक, तो उनके लिए सीएनजी की सुविधा पहले छतरपुर शहर में उपलब्ध नहीं थी। इस पेट्रोल पंप पर आज से सीएनजी की फैसिलिटी जो है उसको चालू कर दिया गया है। छतरपुर जिले में भारत पेट्रोलियम के माध्यम से कितने सीएनजी के पेट्रोल पंप? छतरपुर जिले में जैसे एक हमारा ऑलरेडी एक बड़ा मलेरा में हमारा एक पेट्रोल पंप सीएनजी ऑलरेडी फंक्शनल है। उसके अलावा एक ही नौगांव रोड पे छतरपुर सिटी के ग्राहकों के लिए, और जो नियरेस्ट हमारे पास के जो बड़े शहर हैं जैसे कानपुर हुआ, झांसी हुआ, सतना हुआ, यहाँ के जो बड़े कस्टमर्स हमारे पास छतरपुर सिटी में आते हैं उनके लिए आज से सिटी में भी फैसिलिटी चालू हो गई है। यहाँ के कस्टमरों को जो है किस प्रकार की सुविधा रहेगी हमारे पेट्रोल पंप पे? इस पेट्रोल पंप पे सीएनजी के ग्राहकों के लिए सबसे पहले तो जो सीएनजी फैसिलिटी है वो चालू रहेगी। उसके अलावा साफ सुथरे वॉशरूम्स, पीने के पानी की सुविधा भी मिलेगी, जिसके साथ वो सब परिवार आए हमारे पंप पे और सीएनजी की फिलिंग करवाए। वैसे अभी सीएनजी का रेट यहाँ छतरपुर में कितना कैसा? छतरपुर का जो सीएनजी का रेट है वो आसपास के जो बाकी भी जो सीएनजी के पेट्रोल पंप है उनकी तुलना में उनके समान ही है। यूपी और एमपी में कोई अंतर तो नहीं है सीएनजी? यूपी और नहीं बैठा यूपी सीएनजी में एक्चुअली जो प्राइस है अभी वो 80 रुपए 95 पैसे है जी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और आगे जितने भी हमारे नियरेस्ट मतलब हमारे सटे हुए जो राज्यों में है वहाँ की तुलना में यहाँ पर जो इसका कीमत है वो अन्य राज्यों की तुलना में कम है, क्योंकि ये बैठ के दायरे में आता है और यहाँ इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए कंपनी ने यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ जो रेट है वो कम रखा हुआ है। और वर्तमान में जो सीएनजी का रिटेल सेल प्राइस है 80 रुपए 95 पैसे है, इससे कस्टमर को एक जेब से भी राहत मिलेगी और पूरे शहर में एक जो भारत सरकार द्वारा जो अभियान चला जा रहा है ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत, उसके तहत कस्टमर्स को जिले में इकोसिस्टम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा, इसके लिए जिला प्रशासन से भी सहयोग मिल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है। इसमें हमारे पास जो अदानी ग्रुप के पास है टीकमगढ़ निवाड़ी छतरपुर के अंदर जिला के चार डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम टीकमगढ़ जियोग्राफिकल एरिया के नाम से जानते हैं, जिसमें छतरपुर में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और आगे आने वाले। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबर यूपी तक न्यूज नेटवर्क।